देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव एक बार फिर से सातवें आसमान पर हैं। सब्जियों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। मई के महीने में जो टमाटर 3 से 5 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा था और सही दाम नहीं मिलने पर उसकी वजह से किसान अपनी उपज को फेंकने के लिए मजबूर हो रहे थे, अब जून माह के अंत में वही टमाटर 100 से 130 रुपए प्रति किलो के भाव पर सब्जी मार्केट में बिक रहा है। भाव सुनने के बाद ग्राहक बगल में झांकने लग रहे हैं। टमाटर के भाव में इतनी तेजी से सप्लाई की कमी की वजह जो है उसी वजह से टमाटर के भाव इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 2 माह के भीतर टमाटर के भावों में 20 से 25 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। चलिए तो ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टमाटर और सब्जियों की कीमतें किस तरीके से आसमान छू रही है। पहली तस्वीर दिल्ली से आप देख रहे हैं जहां पर ग्राहक सोच सोच कर टमाटर लेने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई के महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर नवसारी गुजरात से और चौथी तस्वीर गुजरात के वडोदरा से। हर जगह जो टमाटर है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और कीमतों में इतनी ज्यादा इजाफा हुआ है के 10-20 रुपए में मिलने वाला टमाटर अब कहीं कहीं 100 रुपए और कहीं तो 100 से भी ज्यादा के पार हो चला है। यही वजह है कि आम जनता की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। कारण इसका बताया जा रहा है कि मौसम में जो बदलाव आया है, बारिश की वजह से टमाटर ज्यादा नहीं हो पाया है, इसी वजह से ये जो समस्या वो सामने आ रही है ताकि टमाटर की लागत कम हो। यही वजह है कि टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसी की ये सीधी तस्वीरें 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर 10 दिन में हुआ है महंगा, ये पिछले वीक 2-2.5 महीने तो बहुत मंदा था, ज्यादा फसलें थी 2 महीने ज्यादा बहुत ज्यादा कम रेट रहा। जो किसानों ने जो माल लगाना था, ये जो हमारी टमाटर की फसल है 60 दिन और 65 दिन में आ जाती है, 2 महीने और 2.5 महीने के बीच में नई फसल आ जाती है, तो बीच में जो ये ज्यादा मंदा रहा, महाराष्ट्र से गाड़ी आए तो भाड़े भी नहीं निकलते, तो इसलिए किसानों ने बहुत कम माल लगाया और इसी की वजह से तेजी है। ये 1 महीने और अभी तेजी रहेगी, 20 दिन से 1 महीने, उसके बाद ये दूसरी फसल आ जाएगी तो बाजार डाउन हो जाएगा। यहाँ 1 महीने तक ये फसल कम है, दूसरी अगले महीने आ जाएगी। होगा बिल्कुल होगा, इतना इसका रेट का असर तो बहुत महंगा पड़ा है। मैं एक्चुअली पीजी चलाता हूँ, तो पीजी में हमारा खाना बनता है, तो अब पीजी सब्जी लेकर टमाटर कल को पीजी जब सब्जियों के रेट बढ़ गए तो पीजी का भी हमें जो बच्चों से लेते हैं रेंट मंथली का उसमें भी हमें थोड़ा रेट बढ़ गया। बच्चे कह रहे हैं आ रहे इतना अंकल इतना महंगा कर दिया आपने कमरा, तो ये सर सीधा हमारे जो काम धंधे हैं उसमें भी पड़ता है। बजट बना के चलते हैं लेकिन दिक्कतें आ रही है, एकदम बड़े भाव बढ़ जाती हैं। अभी गैस इतनी महंगी हो गई है, टमाटर और क्या अदरक इतनी महंगी हो गई है, इनके इनके बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए उनको चाय भी पिलाने में जब कहते हैं अदरक डालो चाय में, सब लोग चाय में अदरक मांगते हैं, अदरक इतनी महंगी है, तो इससे हमारे पीजी पे काफ़ी असर पड़ता है। फिर हमें थोड़ा बहुत पीजी का भी खर्चा बढ़ाना पड़ता है जो बच्चों से लेते हैं। देखिए अभी जो है ना टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, अभी आगे जाके 120-140 भी बिकेगा, क्योंकि इसके पहले जो है ना जब 20-25 रुपए किलो था तो खेती वाले को पड़वा नहीं रहा, तो उन्होंने पूरा फेंकवा दिया, कोई अपना पूरा खेत जुतवा दिया, इसकी वजह से महंगा हो गया। तो बारिश की वजह से बारिश में माल निकल नहीं रहा है, सड़ जा रहा है, इसके कारण आगे आने वाले दिनों में कितना महंगा हो सकता है? 150 जाएगा 150 रुपए किलो। क्वालिटी अच्छा आ रहा है, और बाकी जो सब्जी है उनके दाम कैसे हो रहे हैं? उनके भी बारिश का कारण, बारिश में जब बारिश होती है तो कुछ कुछ खेतों में माल सड़ जाता है, माल कम आ रहा है, जो बीच में किसानों ने माल फेंका, लगाया ही नहीं खेती, फिर थोड़ा मौसम, मतलब दोनों बराबर चल रहा है, तो किसानों का जो नुकसान है वो अभी भरा जा रहा है। तो अभी कितने रुपए किलो चल रहे हैं? 100-120।
आने वाले दिनों में कितना महंगा हो सकता है उसके बारे में क्या? इससे ज्यादा महंगा होगा तो पब्लिक इमली खाएंगी, टमाटर नहीं। अभी भाई होलसेल का दाम चल रहा है 60 से 70 रुपए किलो, और 15 दिन में और रेट बढ़ेगा। ये रेट चलेगा कम से कम 15 अगस्त तक, क्योंकि बीच में बहुत मंदी गई ना, मई में गया रेट 100 रुपए क्रेट गया, यानी 3-4-5-6 रुपए किलो रेट था। अभी बेंगलोर में माल कम है और नासिक में बारिश ज़्यादा चले है, माल वहाँ भी कम है। ये रेट कम से कम मेरे अंदाजे से 15 अगस्त तक रेट चलेगा, इसके बाद जब नया माल चालू होगा नासिक का तब रेट डाउन होगा। हाल में अब भी कम है और माल रेट और बढ़ेगा, ऐसी आशा है। माल अभी मतलब में जो पहले हम बेचते थे डबल माल, उसके अभी 30-40% माल बेच रहे हैं, क्योंकि माल महंगा है। जो कस्टमर 10 केर लेता है वो 3-4 ले। ये साग भाजी यही टमाटर का धंधा करता हूँ। टमाटर का तभी पोजीशन बहुत टाइट चल रही है, अभी महंगाई बहुत है। ये 100 रुपये किलो का भी रिटेल भाव चल रहा है। तो ये दाम बढ़ा तो उसको लेकर क्या बिक्री में फर्क पड़ गया है? पहले जैसा हमारा 20 केरेट का बेचान था, अभी तो 5 केरेट पे आ गया है। अब व्यापारी तो बोल रहे हैं माल ही नहीं मिल रहा उधर जहाँ से आता है, अभी यहाँ लाते हैं तो महंगा ही देंगे, उनको भी पोसा नहीं रहा है तो महंगा दे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, टमाटरों की कीमतें जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये सीधी सी बात है कि टमाटर ने अब आम जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि खाने पीने की तमाम चीजें जो है, चाहे वो रेस्टोरेंट का खाना हो या फिर पीजी, जिस तरीके से हमने सुना, तमाम चीजें महंगी हो रही है और सबकी जेब पर असर पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बारिश की वजह से टमाटरों के दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसलों के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। आज हम दिल्ली के सदर सब्जी बाजार के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं वाक्य में सच्चाई कितनी है। मगर यहाँ पर देखिए, टमाटर जरूर रखे हुए हैं, टमाटर किस भाव बिक रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, सच्चाई क्या है यहाँ पर, जिस तरीके से टमाटर जो है वो यहाँ पर कितना महंगा हो चुका है वो भी कोशिश करेंगे समझने की, वाक्य में कारण क्या है। मगर टमाटर के खरीदार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि खरीदार जो है वो पहले जो 1 किलो टमाटर खरीदते थे, आज वो कहीं ना कहीं सिर्फ 250 ग्राम से ही गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर होती है। आपसे जानना चाहूंगा, आप दुकान कर रहे हैं यहाँ पर सब्जियों की, क्या लगता है टमाटर के दाम जो बढ़े हैं इससे आपकी दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ा? दुकानदारी पे बहुत कम है, ग्राहक ले नहीं पा रहे, जहाँ 1 किलो लेते हैं वहाँ 250 ग्राम ही ले पा रहे हैं, क्योंकि 120 रुपए किलो टमाटर हो चुका, हर एक किसी के बजट से बाहर है। और हर साल यही होता है कि ये जून जुलाई का जो आता है उसमें 120 रुपए पार करता है टमाटर, और जहां हमारी सेल होती थी 2-3 हजार रुपए, वहां 1000 रुपए ही हो गई है, आधी सेल हो गई, हर एक बंदा टमाटर नहीं ले पा रहा, ये वजह है महंगाई की। क्या लगता है कि टमाटर जो अब किस भाव बिक रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर बारिश होती रही तो क्या इसके भाव जो और ज्यादा बढ़ेंगे? 150 रुपए किलो से भी क्रॉस कर जाता है बारिश होने की वजह से, जिससे फसल सारी अपनी जो खराब हो जाती है, और देख सकते हैं कि आप फट्टे पे हमारे टमाटर बिल्कुल नहीं है, रोज का लगातार कहने के टमाटरों को लेकर जो बाजारों के अंदर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो पहले 15 दिन पहले जो टमाटर था वो कहीं ना कहीं 30 रुपए के करीब बिक रहा था, मगर अब कहीं ना कहीं 100 रुपए बिकता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। हम सब्जी बाजार के अंदर खड़े हुए, लगातार ग्राहक जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम की बात करें टमाटर के साथ साथ वो भी बढ़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या टमाटर क्या बिक रहा है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? अगर यहाँ पर जो 100 रुपए वाला टमाटर है या फिर कहें जो होलसेल में है वो कितने तक का बिक रहा है? 100 से कम कोई नहीं है। आपके पास ग्राहक कितना आ रहा है? बहुत ही कम हो गया। बहुत कम? कितना? ये लगा लो कि 5 कैरेट लाया हूँ, 2 दिन हो गए बिका नहीं है, अभी तक बिका नहीं है। नहीं, ये बात करें हम जिस तरीके से पहले जो लोग ग्राहक आते थे आपके पास, कितने किलो के हिसाब से लेके जाते थे? पहले 5 लेके जाते थे, अब 1-2 किलो बस।
एक दो किलो, यानी कि दुकानदारी पे भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा फर्क जो है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बाकी सब्जियों की बात करें तो वो भी कहीं ना दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर जिस तरीके से बाकी सब्जियां भी रखी हुई है इन पर भी कहीं ना कहीं फर्क जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आप दुकान कर रहे हैं, क्या लगता है कि बाकी चीजों टमाटर के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं बाकी चीजों पर भी रेट बढ़े? बाकी रेट बढ़ गए हैं, सब्जी कम आ रही ना मार्केट, सब्जी कम होगी सब्जी। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जो परेशानियां है वो वाक्य में दुकानदार की नहीं ग्राहक की भी होती नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जरूर चिंताएं बनती नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो असर है वो चाहे विक्रेता हो, चाहे ग्राहक हो या फिर कोई भी आम कारोबारी, सब पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार में सब्जियां जो है वो अब कम हो गई है आने। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से टमाटर की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, इसी की वजह है कि आम जनता लगातार परेशानियों का सामना करना कर रही है, क्योंकि मानसून के कारण टमाटर के दाम जो है वो बढ़े हैं। कुछ कारण ये बताए जा रहे हैं कि जब टमाटर की फसल हो गई है उसको काटा नहीं जा पा रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, और जो फसल है वो टमाटर गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जो चलिए अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में किस तरीके का हाल है ये बताने के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लखनऊ में अगर बात करें टमाटर के दाम, क्योंकि लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, तो लखनऊ की स्थिति इस समय क्या है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें। देखिए मुस्कान, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए, जो टमाटर है वो कहीं ना कहीं गुस्से से लाल हो चुका है और ये कहा जा सकता है कि जो दाम है वो सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। हाल के ही कुछ दिनों में जहां टमाटर 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, तो आज उस टमाटर के हाल की बात की जाए तो ये 120 रुपए किलो के आसपास आप कहीं ना कहीं मंडियों में बिक रहा है और साफ तो कहा जा सकता है कि लगातार चाहे टमाटर हो, चाहे अदरक हो या धनिया हो, ऐसी तमाम जो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं दाम सातवें आसपास में पहुंच चुका है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 120 रुपए प्रति किलो के साथ और बाजारों में लोगों की जो टमाटर खरीदार है उनकी जो कमियां है वो कहीं ना कहीं साफ देखी जा रही है। और इस वक्त हम लखनऊ के नरई मंडी है, ये सब्जी मंडी है, तस्वीर देखिए कि यहाँ पर से लेकर जो मंडियां हैं वहां पर भी दुकानें दिखाई देंगी बहुत पूरी तरह से सन्नाटे और कुछ तो हाल ये है कि दुकानें तक पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो महंगाई है उससे कहीं ना कहीं मार जनता को झेलनी पड़ रही है और लगातार जो टमाटर की खरीद है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि लोगों की आप जो स्थिति कही जा सकती है कि लोगों की थाली में जो टमाटर है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और जो कह सकते हैं कि रोज ज्यादा संख्या में टमाटर ले जाते थे आज उनकी टमाटर की संख्या वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है और जो धीरे धीरे लोग जो खरीद कर रहे थे टमाटर उसकी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं लोग जहाँ कह सकते हैं कि 2 से 3 किलो के आसपास अपने घरों में टमाटर आधा किलो के आसपास आ चुके हैं। जितेंद्र, आम अगर दर्शक वहां पर मौजूद हैं, अगर विक्रेता या फिर कोई खरीदार वहां पर मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये दाम क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मानसून इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीने में ये जो दाम है टमाटर के वो फिर से सही हो जाएंगे, लेकिन एक बार ये जो दाम बढ़े हैं बाकी अन्य सब्जियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए असर बिल्कुल साफ देखिए लगातार ही कहा जाता है कि बारिश की कमी के चलते कहीं ना कहीं ये टमाटर की जो दाम है जो सब्जियों के दाम है वो कहीं ना कहीं चढ़े हैं और उत्तर प्रदेश में जो टमाटर पैदावार होती थी उसकी पैदावार कम हुई है और हालांकि बेंगलुरु से टमाटर आया है इस तरह की बातें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो जनता तक झेलनी पड़ रही है और कहा जा सकता है कि जो आधा किलो के 1-2 किलो के आसपास लोग खरीदते थे वो कमी नजर आ रही है। कुछ विक्रेता यहाँ पर हैं, साथ ही साथ ग्राहक हैं, इनसे बात करते हैं। अगर
टमाटर खरीद रहे थे आप, अब क्या लगता है कि टमाटर कुछ कम हुआ है? जो टमाटर का रेट बढ़ा गया है तो भी बहुत महंगाई बढ़ गई। पहले ज्यादा संख्या खरीदते थे, पहले एक किलो लेते थे, खरीदते एक किलो लेते थे, सब ले रहे हैं, टमाटर बढ़ गया, अदरक बढ़ गया और ये लौकी बढ़ गया, तुरई बढ़ गई, तो 30 रुपए में बिकती थी 50 रुपए में तुरई दे रहे हैं, 60 में दे रहे हैं, धनिया बढ़ गई, पूरे सब सब्जियों का दाम आसमान, मतलब महंगाई की मार लग रही है बहुत ज्यादा मारू। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये ग्राहक थे और साहब को तो कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि महंगाई की मार कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ की भी तस्वीरें आपने देखी, लखनऊ में तो हाल इस कदर है कि मंडी जो है वो आधे से ज्यादा बंद हो गई है क्योंकि ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से विक्रेताओं का भी काफी नुकसान हो रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जब राजीव ने बात की तो खुद विक्रेता ये बताते नजर आए कि 5 कैरेट लेकर आए थे, वो 5 क्रेट लेकर आए थे लेकिन उसमें से भी 2 दिन से वो टमाटर की क्रेट पूरी नहीं बिक पाई है। यही वजह है कि आम जनता पर डाका डल रहा है पूरे तरीके से, आम जनता के जेब पर, क्योंकि जो लोग पहले टमाटर 1 किलो खरीदते थे अब टमाटर 1 किलो भी 120 रुपए का हो गया है, जो आम लोगों के लिए कुछ मुश्किल सा हो जाता है। इस वजह से अब लोग मात्र 10 से 20 रुपए का टमाटर खरीदते नजर आ रहे हैं। चलिए पंजाब की क्या कुछ हाल है ये बताने के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, पंजाब की मंडियों में किस तरीके का हाल है? चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं, यहाँ पर भी टमाटर लगातार लाल होता जा रहा है, लगातार पूरे तरीके से कीमतें बढ़ती जा रही है, क्या हाल है मंडियों का और ग्राहक क्या कह रहे हैं इस समय? बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो इस समय हम चंडीगढ़ 49 में इस समय मौजूद हैं सब्जी मंडी में जो है इस समय, और बताना चाहूंगा कि करीब अगर टमाटर की बात की जाए तो 100 रुपए किलो के आसपास जो है टमाटर जो है मार्केट में मिल रहा है, और भी अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां कहीं ना कहीं जो है महंगी है, और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय अगर मंडी की बात की जाए तो सुबह का समय है, करीब 12 बज चुके हैं और महंगाई के कारण जो है लोगों की आवाजाही भी जो है कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, और हालांकि पूरे मामले में जो है स्थानीय लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने यही बताया कि महंगाई का असर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि घर खर्च की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ा असर देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे अरसे से जिस तरह से सब्जियों के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो है लोगों को जो है मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ विक्रेता है जो बेचते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस मामले में क्या है। सर क्या नाम क्या था? लेकिन सर गल की जाए कि जिस तरह रेट जिस तरह दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं किस तरह देखते हैं? अपना बजट कितने कितने प्रभावित होंगे? हेलो जी अमित, तो बिल्कुल लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह रेट बढ़ता है इसमें जो है लोगों की जो है जेब तक में असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मंडी में जो है लोग भी अमित विक्रेता से आपने बात की, कुछ लोग वो भी हैं जो यहाँ पर खरीदने आए हैं सब्जियां खरीदने आए हैं, उनसे पूछिए जब थाली से टमाटर गायब होता जा रहा है तो किस तरीके की परेशानियों का सामना खासकर गृहिणियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर चलाना गृहिणी के हाथ में है और यही चलाना मुश्किल होता नजर आ रहा है सिर्फ टमाटर की कीमतों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि क्योंकि हर जो है प्रधान कहा जाता है कि अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर को जो है कहीं ना कहीं प्रधान कहा जाता है कि हर सब्जी में यूज आता है, तो उसके लिए जो है गृहिणियों की अगर बात की तो उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है तो उसके बाद घर खर्च में भी जो है बड़ा असर देखने को मिलता है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टमाटर की कीमतें किस तरीके से आसमान छू रही है वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से किस तरीके से ग्राहक परेशान हो रहे हैं और आम जनता परेशान हो रही है, साथ ही साथ सिर्फ आम जनता ही नहीं विक्रेता भी परेशान हो रहे हैं। कारण ये है कि
टमाटर लेकर आ रहे हैं खरीदकर विक्रेता, लेकिन उनसे कोई खरीदकर नहीं ले जा रहा है। इस वजह से टमाटर सड़ रहे हैं और गल रहे हैं। यही वजह है कि उनके भी जेब पर सीधा डाका डल रहा है। और सबसे अहम बात यह कि टमाटर जो अब खाने की थालियों से गायब होता नजर आ रहा है। स्वाद का राजा जिसे कहा जाता है वो आजकल थालियों से गायब है। चलिए अब छत्तीसगढ़ में भी टमाटर की जो कीमतें हैं वो कुछ इसी तरीके से लगातार बढ़ते नजर आ रही है। जरा जानकारी के लिए टिकेश वर्मा संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, रायपुर की मंडियों में किस तरीके का हाल है? क्या रायपुर की मंडियों से भी टमाटर गायब होता नजर आ रहा है? क्योंकि बाकी अगर राज्यों की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर तो टमाटर की कीमतें 100 के पार हो चली हैं इस समय। रायपुर का क्या हाल है? देखिए, रायपुर में भी कुछ का हाल है और टमाटर का भाव देखकर लोगों का जो हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मार्केट में, जहाँ पर हमने जब भाव पूछे तो भाव सुनकर हम भी हैरान रह गए। कल टमाटर का प्रति कैरेट 1800 रुपए, 1600 रुपए था, लेकिन आज बढ़कर के 2200 रुपए से 2300 रुपए हो चला है और लगातार जिससे इसकी वृद्धि हो रही है। टमाटर की कीमतों की तो 120 के पार इसको बताया जा रहा है ना, आने वाले समय में 150 के पार भी टमाटर के भाव पहुंच जाएंगे। हमारे साथ कुछ क्या नाम आप? कौन जी, ये बताइए कि भाव में कितना वृद्धि हुआ है, क्या कुछ वजह मानते हैं? तो ऐसा है कि मार्केट इतना तेज हो गया कि हमारी पूरी दुकानदारी डिस्टर्ब हो रही, जिसकी वजह से टमाटर जो पिछले 10 दिन पहले 40 से 50 रुपए किलो था, आज बढ़ के 110 120 रुपए किलो पहुंच गया है। और ग्राहक उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कई ग्राहक तो बिना टमाटर लिए चले जा रहे हैं वापस। जो ग्राहक 5 किलो माल लेता था, आज 2 किलो और 1 किलो पे आ गए हैं, और आगे कितनी तेजी होगी और पता नहीं। और कल टमाटर का रेट और बढ़ सकता है मार्केट। साथ साथ व्यापारी भी परेशान है कि टमाटर के एक ले लोग करीबन 5-6 किलो लेते थे, लेकिन ग्राहक है वो ऐसे में लगातार बढ़ते कीमतों का रही बात। टमाटर की कीमतें क्यों बोल पड़ रही है? जब हमने इसकी जो मंत्री संघ के जो अध्यक्ष से बातचीत किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहने कर्नाटक के करीबन पहले 20-40 तक टमाटर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचते थे, लेकिन अब वही बात से जाए किया जाए तो 8-9 ट्रक ही छत्तीसगढ़ कर्नाटक से पहुंच कहीं जो निर्यात है टमाटर के उसमें कमी आई है। इस कारण टमाटर के जो रेट है वो बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान, टिकेश, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है, विक्रेता तो देखिए परेशान है क्योंकि उनसे खरीदारी नहीं हो रही है। आम जनता किस तरीके से परेशान है? उनकी थाली से स्वाद का राजा गायब होता नजर आ रहा है। हर सब्जी में हम कहते हैं कि टमाटर हमें चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल इस समय खरीदना हो रहा है। किस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है? देखिए, आम जनता से जब हमने बातचीत करने की कोशिश किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि टमाटर के दाम बढ़ रहे, तो उनका कईयों का कई सारी प्रतिक्रिया है खाने में या फिर रसोई के जो उनका जो बजट है वो भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। रही बात जिस तरीके से आम जनता की बात की जाए, तो आम जनता को ये भी तकलीफ हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में तमाम वो सब्जियां हैं जिनके रेट वो आधे से डबल हो गए हैं। तो ये साफ तौर पर है कि सब्जियों में भी लोगों को, आम जनता को मार पड़ रही है। इस कारण जो उनका जो रसोई का बजट वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। कुछ लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसमें बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं टमाटर के भाव को लेकर के, लोग किस किस तरह देखते हैं टमाटर के भाव को लेकर के। वे टमाटर खाने में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या कहेंगे? बताएगा ना भैया क्या कहेंगे? वे टमाटर के भाव इतने बढ़े हुए हैं, कुछ दीदी उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या? कविता। टमाटर के भाव बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं आप? टमाटर हर सब्जी में बेहद जरूरी है, तो आम जनता भी सब्जी लेने के लिए मार्केट तक पहुंच रहे, लेकिन भाव बढ़े हैं फिर भी लोग खरीद रहे हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, खरीदना जरूरी हो गया है क्योंकि अब जनता करे भी क्या। लेकिन अब एक बात ये भी कही जा रही है कि आने वाले 1-1.5 महीने में टमाटर की जो कीमतें हैं वो और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से टमाटर जो है वो नहीं ठीक से हो पा रहा है, इसकी वजह से और ज्यादा कीमतें जो है वो बढ़ सकती है टमाटर की, ये भी कहा जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर टमाटर की सप्लाई रुकी हुई है, इसी कारण से टमाटर के जो रेट है वो औने पौने दाम पे बिक रहे हैं और लगातार टमाटर की जो कमी है मार्केट में भी देखने मिल रही है। अगर टमाटर है तो खरीदने
वालों को परेशानी हो रही है, अगर टमाटर नहीं है तो टमाटर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सप्लाई की बात की जाए या फिर टमाटर के भाव की बात की जाए, और आने वाले समय में जैसे हमने जो मंडी संघ के जो अध्यक्ष डुमरतरी में श्रीनिवासन जी उनसे बातचीत करने की कोशिश किया, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में टमाटर के रेट और भी बढ़ सकते हैं, 150 के पार भी टमाटर के रेट पहुंचेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम भी जो हाई फाई रेट में बिक रहे हैं, डबल रेट में बिक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, महंगाई जो है वो जनता की जेब पर सीधा डाका डालती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया टिकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक।